मेरठ में कोहरे की पहली हल्की दस्तक। जी हाँ, आप देखिए सड़क पर किस तरीके से दूर कोहरा दिखाई दे रहा है। कोहरे के कारण आज ठंड भी अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा, हालांकि शीत लहर का जो प्रकोप होना चाहिए या जो पिछले कई दिनों से दिखाई दे रहा है वो आज कुछ कम। तापमान में हल्की गिरावट न्यूनतम तापमान में, और अधिकतम तापमान थोड़ा सा बढ़ा होगा। अधिकतम तापमान जो 21 डिग्री और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक जा चुका था, आज वो बढ़कर 21.8 डिग्री हो चुका है। यानी आज अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री का इजाफा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान मेरठ का, जो कि 2.7 डिग्री तक जा चुका था, अब वो बढ़कर 4.3 डिग्री हो चुका है। ठंड आज भी अपने पूरे शबाब पर, ठंड में ये बढ़ोतरी अभी 26 जनवरी तक कायम रहेगी। मौसम विभाग के माने तो आगामी 25 और 26 दिसंबर को हल्की बारिश मेरठ और आसपास के इलाकों के अलावा उत्तरी भारत के अन्य प्रांतों में भी हो सकती है। बारिश के बाद ठंड तेजी से बढ़ेगी, जिसका असर लोगों के आम जनजीवन पर पड़ेगा। देखिए, हाँ, हम जो है आपको मेरठ की सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से ठंड के बीच लोगों की ज़िंदगी चल रही है। अपने काम में लोग बाग जाते हुए मैं राजस्थान पत्रिका से मेरठ के लिए KP त्रिपाठी।